नमस्कार दोस्तों एडुशाइन आई एस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज का हमारा क्लास है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ऑफ अर्ली इंडिया ये एनशियंट इंडियन हिस्ट्री की पहला लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज में तो देखिए दोस्तों हमारे जो एनशियट इंडियन हिस्ट्री है वहाँ की जो हिस्ट्री के जो नॉलेज है वो उसकी जो सोर्सेस है द सोर्सेस ऑफ़ हिस्टोरिकल नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बहुत सारे स्कूल्स की इमरजेंस हुई थी अब देखिए यहाँ पे इशू यहाँ पे बेसिकली ये है कि हिस्ट्री राइटिंग इंडिया में कभी कभी भी खास करके जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री है या अर्ली इंडियन पीरियड है उस टाइम पीरियड में इंडिया में कभी भी हिस्ट्री राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं था आ, जो हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है जैसे कि अर्ली यूरोपियन हिस्ट्री में हेनरी के नाम लिया जाता है हु वॉज ए ग्रीक हिस्टोरियंस जिनको जिन्होंने हिस्ट्री लिखा था अब हिस्ट्री राइटिंग के एक, एक, एक स्पेसिफिक एक, पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है तब जा करके उसको हिस्ट्री कहा जाता है लेकिन इंडियन कंटेक्सट में जो भी लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो बेसिकली कुछ रिलीजियस और कुछ सेकुलर सोर्सेस तो है लेकिन वो हिस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री नहीं है तो पहली बार जब इंडिया में कोई इंडियन जिन्होंने हिस्ट्री लिखा था जिसका नाम लिया जाता है दैट इज कलहन कलहन की राजतरंगिनी जो कि 1200 एडी में लिखा गया था हु वाज़ ए कश्मीरी हिस्टोरियंस अब इंडिया में हिस्ट्री या इंडिया के पास्ट को जो रिवील किया एक्सपोज करने की जो काम शुरू किया था वो किया था ब्रिटिश ने जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा सर विलियम जोन्स हैड स्टार्टेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाद में चल के अलेक्जेंडर कनिंगम ने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया था एट्टीन में बाद में चल के जॉन मार्शल बिकेम द डायरेक्टर ऑफ ए तो ऐसे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इंडियन पास्ट को एक्सपोज करना शुरू किया और उन्होंने ही सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री लिखना भी शुरू किया क्योंकि बेसिकली उनके लिए जरूरी यह था कि इंडियन समाज को इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को समझना उनके लिए जरूरी था क्योंकि इंडिया को वो रूल करना चाहते थे और उसी बेसिस पे इमरजेंस होती है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया तो पहले जो सबसे पहले जो स्कूल uh, आता है दैट इज कॉल्ड द कॉलोनियल स्कूल अब देखिए कॉलोनियल स्कूल में बेसिकली मेनली द ब्रिटिश हिस्टोरियंस कम जैसे कि वी ए स्मिथ मॉर्टिमर विलियर इस टाइप्स के बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस आते हैं और इनकी जो राइटिंग है दैट इज वेरी मच बायस्ड बायसड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका उनका एक पर्टिकुलर पर्पज था उनका एक प्रोपागेंडा था एजेंडा था और दैट डा और द एजेंडा वॉज टू जस्टिफाई द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसे कि उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया था तो उसको जस्टिफाई करना उनके लिए ज्यादा जरूरी था और उनके हर राइटिंग में उन्होंने इसी चीज को ध्यान, ध्यान में रखते हुए इतिहास को लिखा इंडियन हिस्ट्री को तो पहला पॉइंट ये है कि दे गेव अ वेरी मच डिस्टोर्टेड व्यू अबाउट द इंडियन पास्ट इंडिया के पास्ट में कभी भी उन, उनको कभी भी कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिखा उन्होंने हमेशा ये लिखा है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन यू नो रूल्ड बाय द फॉरेनर्स और इसी बेसिस पे वो अपने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई कर रहे थे सेकंड पॉइंट वाज जस्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश रूल व्हाइट मैं व्हाइट मेन्स बर्डन्स का जो डॉक्ट्रिन है उसमें ये कहा गया था कि इंडिया द इंडियन पीपल आर अनसिविलाइज्ड पीपल और जो ब्रिटिश लोग थे वो आर द सिविलाइज पीपल जिन जिनको गॉड ने ये बर्डन या जिम्मेदारी दी है कि ये अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज किया जाए तो इस बेसिस पे वो यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किए थे तो उनके राइटिंग में भी ये ये रिफ्लेक्ट हो रहा था तो उन्होंने इंडिया के पास्ट को हमेशा बिलिटिल किया हमेशा छोटा दिखाया हमेशा जो जो भी अच्छी चीज थे उन, उनको नहीं दिखाया और जो भी बुरी चीज थे उनको हमेशा ये दिखाया गया और उनके राइटिंग में ये दो थियोरी बहुत ही उभर के आता है एक था ओरिएंटल डेस्पोटिज्म और दूसरा था डार्क एज थ्योरी अब देखिए ओरिएंटल क्या था डिस्पोर्टिज्म मतलब टोटल कंट्रोल ऑफ द स्टेट टोटल कंट्रोल ऑफ द रूलर तो इन इं, इंडिया में बहुत सारे जो पास्ट एंशियंट पीरियड में जो बहुत सारे जो पास्ट रूलर्स थे उनके जो बहुत ही एक्सटेंडेड स्पाई नेटवर्क था या मिलिटरिस्टिक जो एटीट्यूड था उसको ले उसको कंसिडर करते हुए ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने यह कहा मतलब कि स्कूल के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कहा कि मतलब कि इंडिया में जो भी रूलर्स थे उन्होंने हमेशा अपना डिस्पोटिज्म एस्टेब्लिश किया और उनमें वेलफेयर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी उन्होंने हमेशा लोगों के लाइफ में टोटल कंट्रोल बना के रखा सो इट वाज इट इज अ काइंड ऑफ ए टोटली ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट ऑथोरिटेटिव रूल राइट right. और दूसरा जो थ्योरी है उन्होंने दिया था दैट इज कॉल्ड द डार्क एज थ्योरी और डार्क एज उस एज को बोला जाता है जब समाज पूरी तरह से स्टेग्नेट बन जाता है समाज में इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगता है और वो ये कहते हैं कि जब भी इंडिया में कोई डार्क एज आया है तब भी कोई ना कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ है अब इसी बेसिस पे देखिए उन्होंने एक डिस्टॉर्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड किया है वो कहते हैं कि जैसे कि आफ्टर गुप्ता पीरियड द डार्केज इन इंडिया फिर से आफ्टर मॉडियन पीरियड इन द पोस्ट मॉडियन पीरियड इंडिया में एक डार्केज आया था इसीलिए बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुआ था पोस्ट गुप्ता पीरियड में फॉरेन इन्वेजन हुआ इन द फॉर्म ऑफ मुस्लिम्स और आफ्टर द मुगल फिर से इंडिया में डार किया जाया तो इसलिए फॉरेन इन्वेजन हुआ इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश तो ये कोई नई बात नहीं है इंडिया में और इसी बेसिस पे देखिए उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया हिस्ट्री को इंडियन टाइम पीरियड को जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको उन्होंने कहा कि हिंदू रूलिंग पीरियड जो मीडियवल इंडियन हिस्ट्री है उसको उन्होंने कहा मुस्लिम रूलिंग पीरियड तो जो मॉडर्न लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होगा तो दैट विल बी ब्रिटिश रूल पीरियड और क्रिश्चियन रूल पीरियड ठीक है तो इंडिया में एक डिवीजन कम्युनल डिवीजन क्रिएट करना भी उनका एक आ, एजेंडा में एक आता था, था एक पॉइंट था तो इस बेसिस पे उन्होंने ये चीज़ लिखा था अब देखिए ये जो कॉलोनियल हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने इस तरीके की इंडियन हिस्ट्री को लिखा इसके रिएक्शन में जब इंडिया में ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म होने लगा तो कुछ इंडियन नेशनल नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की इमरजेंस हुई इनमें से सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है आरसी मजूमदार

और कॉलोनियल स्कूल के जो कॉन्सेप्ट थी उसको काउंटर करने के लिए जैसे कि वहां पे डार्क एज की कॉन्सेप्ट दिया गया था तो यहाँ पे इन्होंने गोल्डन एज की थियोरी लेके आई जैसे कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा गया आ, आ, मतलब कि नेशनल स्कूल के जो हिस्टोरियंस उन्होंने ये कहा ठीक है लेकिन एक्चुअली में वो कितना गोल्डन एज था वो तो वो दैट दैट डिपेंड्स ऑन मेनी डिफरेंट फैक्टर्स ठीक है ना दोस्तों अब देखिए उन्होंने जो मतलब कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के कॉन्सेप्ट लेके आया था उसी को काउंटर करते हुए इन्होंने वेलफेयर कॉन्सेप्ट लेके आया जैसे कि आ, अशोक हर्षवर्धन गुप्ता रूलर्स ये जो रूलर्स थे इन्होंने कहा कि आ, और फिर अकबर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में तो इन्होंने कहा कि इंडिया में सिर्फ डिस्पोटिक रूलर्स ही नहीं आए थे इंडिया में बहुत सारे वेलफेयर रूलर्स भी आए थे राइट और इनका नाम लिया जाता है ज द नेशनल स्कूल अब तीसरा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज द मार्क्सिस्ट स्कूल अब देखिये मार्क्सिस्ट स्कूल में बहुत सारे हिस्टोरियंस है जैसे विपान चंद्र हो गया रोमिला थापर राइट डी डी कोशाम्बी ये सारे जो हिस्टोरियंस है दे कम्स अंडर द मार्क्सिस्ट स्कूल और मार्क्सिज्म के जो बेसिक आइडिया है दैट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्लास स्ट्रगल तो उन्होंने इंडियन पास्ट को हमेशा से इसी दो बेसिस पे मतलब कि जस्टिफाई या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है जैसे कि मार्क्स मार्क्स ने ये थ्योरी दिया था मोड ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट करेक्ट क्योंकि Marks कभी इंडिया आए नहीं थे और वो इंडिया के बारे में जो जो भी जाने थे वो भी हिस्टोरियन जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है उनके राइटिंग को पढ़ करके वो जाने थे राइट right? तो उन्होंने जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया था इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डी टीसाम्बी और बाकी जब मार्क्सिस्ट राइटर्स है उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंडियन कंटेक्ट पे इंडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जैसे इंडियन नेशनल स्ट्रगल इनको क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की इंडिया के जो वर्ना वेस्ट सोसाइटी की इमरजेंस हुई थी उसको भी क्लास स्ट्रगल के या फिर आ, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है राइट right. तो दैट इज कॉल दिस मार्क्सिस्ट स्कूल ये भी डिस्टॉर्टेड और इनकम्प्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कंसिडरेशन है कंसिडरेशन इज नॉट होलिस्टिक इट इज टोटली फोकस्ड अपॉन ओनली वन पर्टिकुलर मोड और वन पर्टिकुलर वे दैट इज द इकोनॉमिक वे इन्होंने सोशल या पॉलिटिकल या बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उनको मिसिंग किया राइट हावेवर मार्क्सिस्ट स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस आए हैं अंडर दिस स्कूल्स तो सबसे ऑथेंटिक या सबसे जो Uh, माना जाता है कि uh, uh, जिसके हिस्टोरियंस को ऑथेंटिक uh, माना जाता है दैट कम्स अंडर द मल्टी डायमेंशनल स्कूल अब देखिए मल्टी डायमेंशनल स्कूल बेसिकली है क्या ये दिस बेस्ड अपॉन दिस इज बेस्ड अपॉन एविडेंस वो कोई भी प्रिजुडिस्ड व्यू लेकर के नहीं चलता उन्होंने वो कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा हुआ था तो ऐसा ही हुआ होगा ऐसे व्यूज लेके वो कभी चलते ही नहीं है तो इनके जो राइटिंग है इनको काफ़ी नॉन बायस्ड माना जाता है क्योंकि वो हमेशा एविडेंस के ऊपर बेसिस करके आ, आ, हिस्ट्री को आ, हिस्ट्री को आ, आ, मतलब कि इंटरप्रेट किया है राइट और इनका जो आ, हिस्ट्री का, का जो क्लासिफिकेशन है दिस क्लासिफिकेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर जैसे कि इन्होंने कहा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अर्ली मीडियबल हिस्ट्री मीडियबल हिस्ट्री अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री इस पांच क्लास में पांच टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया था मतलब कि मल्टीडायमेंट स्कूल के जो हिस्टोरियंस थे तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे अप्रोच आ जाते आ, आ जाता है जैसे कि ओरिएंटल अप्रोच ऑक्सीडेंटल अप्रोच राइट यूटिलिटेरियन अप्रोच ऐसे बहुत सारे अप्रोच आ जाते हैं बट अपार्ट फ्रॉम इट दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक So this is all for this class. See you in the next class. Thank you.